निको बोलो सच के। आपको क्या लगता है जो कुछ आपने देखा वो सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो सच, लेकिन यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। एक बार तुम अपने मुंह से बोल दो कि ये सब झूठ है, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ हूं। कोई तुमसे सवाल पूछेगा तो जवाब मैं दूंगा, कोई तुम पर इल्जाम लगाएगा तो सबूत मैं लाकर दूंगा। लेकिन निको, ये सच तुम्हें अपने मुंह से बोलना होगा। मेरा सच यही है कि ये पिक्चर्स मुफ्त नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्हें दिखाया जा रहा है वो गलत है। इस तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि अगर अगर कोई चाहे भी तो भी मुझ पर भरोसा न कर पाए। क्या भरोसा नहीं कर पा रहे? आंखों देखी को झूठ बोल रही हो तुम, रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हो और अब फालतू का ड्रामा करके तुम अपने आप को साफ बता रही हो। आले उसे बोलने दो। नहीं भाई, आप इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये यहाँ पर अभी क्या करने वाली है? दो तीन आंसू बहाएगी, एक इमोशनल कहानी बनाएगी और सबको बोलेगी कि ये आलिया चुप हो जाओ, बोलने दो इसे। कहाँ फंस गया यार, इनके चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। मैं सच कह रही, ये पिक्चर्स मेरी है, लेकिन जो ये बोल रही है वो झूठ है। जो ये बोल रही है वो मैं सपने में नहीं सोच सकती। पूरब और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। पूरब और मैं, बताओ पूरब, क्या सच्चाई? इन फोटोग्राफ्स के पीछे क्या सच्चाई है तुम्हें बताना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक। तुम सच्चाई सुनना चाहती हो ना? सुन पाओगी? है हिम्मत तुम्हें सच का सामना करने की? बात को घुमाओ मत पूरा, जो सच है वो सबको बताओ। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है, सबको बताओ कि तुम्हारा निकिता के साथ अफेयर है या नहीं। बोलो ये सच है या नहीं, क्योंकि तुम रंगे हाथों पकड़े गए। जब सच सामने आ ही गया है तो मुझसे क्यों पूछ रही? और अगर तुम्हें सच जानना था तो तुम मेरे पास आती और मुझसे पूछती। यूं अपने भाई के संगीत में सबके सामने इतना बड़ा तमाशा नहीं करती। सच सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आज बोलूंगा। पूरब कहीं ये ना बोल दे कि वो मुझे अपनी बहन मानता है और बहुत पहले से जानता है। प्लीज प्लीज, देखो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने दो मुझे। बेशर्मी की तो सारी हदें इन्होंने पार कर दी हैं, तो मैं अब किसकी हद में रह के चुप रहूं? छोटे बड़ों का तो इन्होंने लिहाज नहीं किया, तो मैं किसका लिहाज करूं? बेइज्जत तो मैं हो ही चुका, चुप रहने से कौन सी मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? इन्हें सच सुनना है ना? हाँ। तो आज मैं इन्हें सच बता के ही रहूंगा। क्या जानना चाहती हो तुम? मेरे और इनके बीच का रिश्ता? हाँ, हम जानना चाहते हैं तुम्हारे और निकिता के बीच का रिश्ता क्या है। दोस्ती का, अपनेपन का, इंसानियत का, भरोसे का रिश्ता। और प्यार का रिश्ता? ये कौन सा पत्ता निकाल के फेंक दिया है पूरब, जो ताश की गड्डी में था ही नहीं। पर गेम इंटरेस्टिंग हो गई है, छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है। यही कहीं छुपके सब देखता हूं।
मेरा गुस्सा जायज है। बस ऐसे ही मैंने सब कुछ प्लान किया और इसीलिए मैंने निखिल को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको बोला ये सब कुछ करने के लिए, एंड उसने ये जॉब बिल्कुल परफेक्टली की। वाओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये फोटोज एंड वीडियोस ये कैसे बना है? आई मीन ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट की कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और सबके सामने ऐसे पेश किया? अब वो सब कुछ तुम्हें निखिल बताएगा। तनु, हमें करना क्या था? हमें सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करनी थी और हमने करी भी। एक ऐसा जाल बुनना था जिसके अंदर सिर्फ दो मछलियां फंसे, बाकी कोई नहीं। हमने वही किया, बस इस सब के लिए मुझे रावण बनना पड़ा। रावण? रावण ने सीता जी का हरण किया था और उस टाइम पे लक्ष्मण रेखा जो बनाई थी वो सीता को बचाने के लिए बनाई थी। इस वाली रामायण में हमें सिर्फ लक्ष्मण का रोल थोड़ा सा रिवर्स करना था। लक्ष्मण ने इस बार रेखा बनाई नहीं बल्कि रेखा को पार करके भाभी को बचाना था, और अपनी पूछे भाभी को बचाने तुम्हारा वो पूरब तो आता ही। इतना फुल प्रूफ प्लान था तो पूरब वहां पहुंचा कैसे? डार्लिंग, वो पहुंचा नहीं था, उसे लाया गया था हमारे कहने पे, ऑब्वियसली। अब हमें इतना करना था कि जब हमने प्रज्ञा को किडनैप किया तो उसे एक भागने का मौका दिया, उसके साथ उसका मोबाइल भी छोड़ा ताकि वो मदद के लिए इधर उधर फोन करे, और हमें यकीन था कि वो पूरब को ही फोन करेगी। एक मिनट, इस बात को लेके कैसे श्योर थे कि वो पूरब को ही फोन करेगी? छूटने से पहले सबसे पहले तो वो अभी को फोन करेगी ना, और अगर अभी वहां आ जाता तो? क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए वहां पे थी मिस आलिया। घटियापन की सारी हदें पार कर दी इसने, अब ये हरकत तो मेरी सोच से बाहर है। अभी की नजरों से तुझे गिराने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, अब जब कुछ नहीं बन पाया तो तेरे और पूरब के रिश्ते का सहारा ले लिया। छी, इसने तो बहन भाई के रिश्ते को भी नहीं बख्शा। मेरे पास तो कोई लफ्ज ही नहीं है कि इसको कोसूं तो क्या कह के कोसूं। दीदी, चुड़ैल और डायन तो हम पहले ही इन्हें कह चुके जो अब नहीं कह सकते। इन्होंने तो सारे रिश्ते नातों की मर्यादा को शर्मिंदा करके रख दिया है। उन दोनों को क्या बोल सकते दादी, वो दोनों तो है ही ऐसी, हमेशा गलती करती, उनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते। लेकिन पूरब तो ऐसा नहीं था, फिर उसने ये सब क्यों किया? क्यों सबके सामने उन दोनों के झूठे इल्जाम को सच साबित कर दिया? आलिया तनु कम से कम बोल के तो गलत करती, लेकिन पूरब, जब उसने कहा कि वो इन्हें सब कुछ सच बता देगा, मुझे डर था कहीं ये ना कह दे इनसे कि प्रज्ञा दी मेरी बहन जैसी है, मैं इन्हें पहले से जानता हूं। लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया, सबके सामने वो कह दिया जो ना मैं बोल सकती हूँ ना सोच सकती हूँ। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? गलत किया पूरब ने, बहुत गलत। क्यों किया तुमने वो सब? क्यों सबके सामने एक झूठे इल्जाम को सच साबित कर दिया तुमने पूरा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम क्या बोल कर रहे हो वहां पे? तुम्हें अपनी बात सुनाई दे रही थी कि नशे में थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हो? मैं अपने और उनके बीच की दूरी कम करने की कोशिश कर रही हूँ पूरब, और तुम्हारी इस एक हरकत ने मुझे उनसे बहुत दूर कर दिया। तो उतना भरोसा आपको मुझ पर क्यों नहीं है दी? ये कहने की बजाय कि पूरब कभी ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए, आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा हूं? मुझे नहीं लगता था पूरब, मैं तुम्हारे बारे में ये सब सोचना नहीं चाहती, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया ऐसे सोचने में। मैं तो तुम पर भरोसा करती थी ना पूरब, लेकिन तुमने सबके सामने जाके कहा क्या? वो आलिया तनु तो है ही ऐसी, गंदा सोचती है, गंदा बोलती है, घटिया इल्जाम लगाती है। मैं चुपचाप सुन रही थी क्योंकि वो मुझ पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन मुझे जो बात बर्दाश्त नहीं हुई वो था तुम्हारा धोखा। पूरब, मैं मानती हूँ कि तुमसे मेरे परिवार का रिश्ता सिर्फ बुलबुल की वजह से, लेकिन बुलबुल के चले जाने से हमने वो रिश्ता खत्म तो नहीं कर दिया ना? मेरी माँ अब भी तुम्हें बेटा मानती है, मेरी दादी अब भी तुम्हें पोते जैसा प्यार करती है, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, और तुमने सबके सामने ही जाके कह दिया कि हम दोनों के बीच। गलत है पूरब,
तुमने ठीक नहीं किया, सब गलत है। हाँ पूरब, तूने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। तूने वो बोला है जो हमें बोलने में शर्म आती है। क्यों कहा तूने ऐसा? ये सब था ना तेरे मन में? फिर क्यों दावे किया करता था तू प्रज्ञा की मदद करने के? तू तो हमेशा कहता था ना कि तू प्रज्ञा और अभि को मिलाना चाहता है। आप लोग भी किस बात पे झगड़ रहे हो? एक मिनट पूरब, तुम प्लीज साफ साफ बताओगे तुमने क्या प्लान किया है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ पूरब बोल। हाँ तो अब सुनिए मेरा मास्टर प्लान। मैंने जो भी कहा उससे अभि के दिल में जेलसी होगी और जेलसी की वजह से उसके दिल में जो भी है उसकी जबान पे आ जाए। वो कैसे? तो कैसा लगा मेरा फॉर्मूला नंबर 844? अरे वाह पूरब, तूने तो कमाल कर दिया। मैं उस समय पता नहीं क्या कुछ कह गई तुमसे। मैं मुझे एक बार तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, I'm really sorry। बस थी, पहले वो सब बातें बोल के मुझे पराया कर दिया और अब सॉरी बोल के कर दिया। तो एक बात याद रखना, मैंने बुलबुल से वादा किया था कि मैं आपको और अभी को मिलाकर ही रहूंगा और जिस दिन मैंने वो वादा पूरा कर दिया उस दिन लगेगा कि मैं और बुलबुल भी मिल गए। हेलो मिस प्रज्ञा, कहाँ जा रही हो? अपने घर? ठीक है चली जाना, लेकिन दो मिनट मेरी बात तो सुन के जाओ। तुम्हें थैंक यू कहने का मौका तो दो। सुनो प्रज्ञा, मुझे मेरे संगीत में बहुत मजा आया और जो तुमने मुझे मजा दिया, ओह माय गॉड, यू नो बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिली लेकिन तुमने जो मुझे गिफ्ट दी, आई मीन कौन ऐसी गिफ्ट देता है, कौन औरत अपने ही सौतन को ऐसी गिफ्ट देता है जो तुमने मुझे दी, टू गुड। यू नो मुझे लगा तुम सच में मेरी शादी रुकवाना चाहती हो, पर तुमने मेरे संगीत में अपने रिलेशनशिप की जो अनाउंसमेंट की है, ओह माय गॉड, उसके बाद तुमने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे रास्ते से हटके तुमने मेरी शादी का रास्ता क्लियर कर दिया। आई नो तुमने आज तक बहुत सारी कुर्बानियां दी लेकिन ये कुर्बानी तुम्हारी सबसे ऊपर है। बकवास बंद करो, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और पूरब के बीच में कोई रिश्ता नहीं। अच्छा तो मतलब तुम्हारे ही प्लेयर ने तुम्हें धोखा दे दिया, रास्ते में चलते चलते तुम्हें रन आउट कर दिया, खुद के गोल पोस्ट पे गोल कर दिया और तुम्हें गेम खेलने से पहले तुम्हें गेम से बाहर कर दिया। दिस इज फैंटास्टिक। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना ये सब बातें करके? तुमने अपने रिश्ते को बनाने के लिए एक भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं बख्शा, उसकी इज्जत नहीं की, और कितना गिरोगी तुम तक? मुझे लगता था कि हर इंसान के गिरने की एक हद होती, तुमने तो गिरने के हिसाब से मिसाल कायम कर दी। पता है आज के बाद जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में गिरेगा ना, लोग तुम्हारी मिसाल देंगे कि वो तुम्हारे जितना गिर चुका है। अभी मैं जानता हूं कि तू चला जाए ऐसे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अभी मैं तुझसे, मैंने कहा ना चाहे ऐसे, मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी पूरा। तू जा पूरा, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है चला जाता हूं, पर मैं तुझसे बात करने वापस आऊंगा जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तभी तू मेरी बात सुनेगा और समझेगा। मुझे माफ कर दे अभी, लाइफ में पहली बार मैंने तुझसे झूठ बोला, बट ट्रस्ट मी, मेरा ये एक झूठ तेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देगा। मुझे नफरत करके अगर तुझे तेरा प्यार मिलता है तो तेरी ये नफरत जिंदगी भर के लिए मंजूर है। मैं तुझ पे गुस्सा नहीं हूं पूरा, गुस्सा मैं अपने आप से हूं, अपने उस आदत से हूं जहां मैं किसी पे भी आसानी से भरोसा कर लेता हूं। निकू से मिला, उस पे भरोसा किया और आज ये दिन देख रहा हूं मैं। पर तू पूरा, तुझे तो मैं बचपन से जानता हूं ना,
तू भाई है मेरा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी बात छुपाई मुझे, धोखा दिया। क्यों सब लोग करते हैं मेरे साथ ऐसा? क्या किसी पे भी भरोसा कर लेना मेरी कमजोरी बन गई है, जिसका लोग इस तरह से फायदा उठाने लगे? और अब तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी है कि क्यों मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आई, जिसके दिल में कोई और ही है, निकू किसी और की है, और मैं उसके बारे में क्यों सोचा मैंने ऐसा निकू के बारे में? क्यों? पागल हो रहा हूं मैं, पागल हो रहा हूं। अभी अभी ये नहीं, ये वाला नहीं है क्या? ये वाले सीक्वेंस में होगा। ये भी नहीं है। तनु क्या कर रही हो तुम गलत पेपर्स क्यों दे रही हो? हाँ ये वाले, बाकी के भी देना सीक्वेंस में लगा। हाँ सीक्वेंस में देने के लिए कहा था, ये तुम मैं से पंच बना कर क्या दे रही हो? एम आई नॉट क्लियर? सीक्वेंस में लगाओ ना। एक तो सुबह सुबह उठा दिया, और जब से उठाया तब से काम पे काम करवाए जा रहे हैं। होने वाली बीवी हूँ या बाई? मेरे कमिंग सर, वो सीक्वेंस मुझे पता है तो। हाँ कर दो प्लीज। मैं कर लूंगा। सर ये आपकी कॉफी। अरे ये तो मुझे चाहिए थी। मैं नहीं चाहिए। लेकिन आप ही ने तो अभी कहा कि यही चाहिए थी। हाँ मुझे कॉफी चाहिए, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं चाहिए। लेकिन सर ये तो मेरी ही ड्यूटी है ना। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, अब तुम्हारी ड्यूटी बदल गई है। मुझे जो भी चाहिए होगा मैं तन्नू को बताऊंगा, तन्नू आकर तुम्हें बताएगी, और तुम्हें जो भी देना होगा तन्नू को देना, तन्नू आकर मुझे दे देगी। इज दैट क्लियर? तो ये कॉफी मैं उन्हें दे दूं? नहीं। आप कॉफी नहीं पियेंगे? मैं पीऊंगा, हर रोज कॉफी पीऊंगा, हर घंटे कॉफी पीऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं पीऊंगा। तो मैं काम करूं, तनु को अपने साथ किचन में ले जाओ और उसे यही वाली कॉफी बनाना सिखा दो। अरे गुड मॉर्निंग पूरब। क्या हुआ, मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दोगे? उप्स माय बैड। अब अगर मॉर्निंग गुड नहीं होगा तो कोई गुड मॉर्निंग कैसे कहेगा? अब कल रात जो हुआ उसके बाद इस घर में तुम्हारी सुबह गुड होना थोड़ा तो मुश्किल था ही ना। अब वैसे अगर तुम दादी दासी से मिलने जा रहे हो तो तुम जाओ, लेकिन भाई को मिलने मत जाना, क्योंकि कल के बाद आई डोंट थिंक वो तुमसे मिलना चाहेंगे। वो बेशक तुमसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। क्या है ना, कल तुमने जो कुछ किया ना उसे देखकर मेरा मन किया मैं तुम्हें गले लगा लूं। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि मेरी पुरानी फीलिंग्स वापस आ रही, जैसे जब मैं तुम्हें प्यार करती थी शायद मुझे वैसा ही प्यार दोबारा होने लगा था। आलिया अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर, क्योंकि तुम्हारी खुशियां वैसे भी टेम्परेरी ही रही। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक से दिवाली कहां से आ गई, लेकिन एक बात याद रखना, दिवाली हमेशा अमावस की रात को आती है। तो जैसे ही तुम्हारे जलते हुए दिए बुझेंगे तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, और ऐसा अंधेरा छाएगा जिसकी कोई सुबह नहीं होगी। फिर किसको गुड मॉर्निंग बोलोगे? तुम कहना क्या चाहते हो? सवाल ये होना चाहिए कि तुम सुनना क्या चाहती हो। तुमने अभी कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी खुशियां ले आया हूं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि लव स्टोरी कभी कभी हेट स्टोरी बन जाती है। इसलिए मेरा सजेशन मानो, अपना ये प्री मच्योर सेलिब्रेशन बंद करो, और मेरी जो लव स्टोरी कल रात को शुरू हुई है उसके क्लाइमेक्स का वेट करो। क्या बात है दीदी, क्या बना रहे हो? बनने की बहुत जलने की बहुत स्मेल आ रही है। खामखा बेचारी का हाथ जला दिया आपने। मैंने नहीं जलाया उसका हाथ, उसने खुद जलाया हाथ। और ये जलने की जो स्मेल आ रही है ना, वो गैस से नहीं मेरे अंदर से आ रही है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? कल जो शाहरुख की तरह डायलॉग नहीं मार रहे थे तुम, प्यार ये होता है प्यार वो होता है क्या क्या होता है, तुम्हारे डायलॉग की वजह से मेरा प्यार खराब हो गया, तुम्हारे प्लान की वजह से मेरा प्लान खराब हो गया। प्लान? आपका कौन सा प्लान था? मतलब मेरा कौन सा प्लान था?
मेरा ये तो प्लान था शुरुआत से कि मैं सेक्रेटरी बनके इनके साथ रहूंगी ताकि इनके दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, इनके दिल में अपने लिए कुछ पीली जगह सकूं। लेकिन नहीं, तुमने कल जाके जो वहां ड्रामा किया उसकी वजह से सब खत्म हो गया। अब वो चाहते जो काम मैं करती हूँ वो तनु करेगी, यहाँ तक कि मेरा कॉपीराइट जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद था इनकी, वो भी अब तनु करेगी। क्या? मेरी कॉफी पूरा, मेरी कॉफी। वो चाहते कि मैं तनु को ये कॉफी बनाना सिखाऊं। अब बताओ, मैं किचन में रहूंगी और वो तनु उस कमरे में रहेगी। कल तक मैं उनकी सब कुछ थी, आज जैसे कुछ भी नहीं। रिलैक्स दी, रिलैक्स। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? जस्ट चिल। आपको क्या लगता है वो तनु अभी का एक काम भी कर पाएगी? और अगर करने भी जाएगी तो या तो अपना हाथ जलाएगी या अपना हाथ तोड़वाएगी। पूरब, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें पता है ये ना तो मेरी तरफ मुड़के देख रहे हैं ना ही मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है मेरी जिंदगी में कोई और है। और इस बात का वो फायदा तनु नहीं उठाएगी, हमेशा इनके साथ चिपकी रहेगी और मुझे उनसे दूर रखेगी। लेकिन प्रज्ञा ना, वो पागल हो गई। मुझे कॉफी बनाना सिखाना ये उसकी चाल थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो जैसी भी हो हमारी जैसी नहीं है, समझी तुम? और ना ही वो कोई खड़ूस सास है जो अपनी बहू को जला दे। बहू नहीं, सौतन। व्हाटएवर। देखो, ये जो कुछ भी हुआ होगा तुम्हारी वजह से हुआ होगा। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है ना, वो तुम्हारी वजह से ही होता है। लाइफ में कभी कुछ तुम ढंग से तो कर नहीं सकती हो तनु। हाँ, कैटवॉक बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। एक्चुअली कैटवॉक के अलावा तुम कैट फाइट भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, जो काम तुम बहुत अच्छे से करती हो ना वही करो। यू नो, मेकअप लगाना, ड्रेसअप करना, अमीर लड़कों को पटाना, ये सब कुछ। मैं क्यों पटाऊं? मेरी शादी ऑलरेडी अभी के साथ हो रही है। और रियली, तो तुम्हें लगता है कि भाई से तुम्हारी शादी हो जाएगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है तनु कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो प्रज्ञा कर रही है, और तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तो तुम कैसे करोगे भाई से शादी? And I'm so sure कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे भी करके भाई को फिर से पटा देगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, चैलेंज ही समझ लो कि तुम भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो प्रज्ञा सब कुछ कर सकती। फाइन, तो अब ये चैलेंज ही नहीं, ये शर्त भी है कि मैं अभी का ख्याल प्रज्ञा से ज्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। ठीक है, तो लगी शर्त वो भी 10,000 की। डन। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? और अगर किया भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तनु, हाथ आगे करना। ये इनके सभी डील्स की सारी डिटेल्स है, जिसका तुम्हें सीक्वेंस में एक लिस्ट बना के इन्हें कल सुबह देना। एक्चुअली देना तो मुझे था, लेकिन अब तो तुम मेरे सारे काम कर रही हो, तो अब ये भी काम तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, भारी है ना? सिर्फ इनके काम का बोझ नहीं, अभी तो इनकी गृहस्थी का बोझ भी तुम्हें संभालना है। तो जरा संभल कर संभालना, वरना गिर जाओगे। रॉबिन, मैम ये फाइल्स कहाँ रखूं? तनु मैम के हाथ में तो जगह ही नहीं है, इतना बोझ ये उठा नहीं पाएंगे। ऐसा करो, बिस्तर पर रख दो। और ये जो दूसरी वाली फाइल है, इसमें इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के सभी डिटेल्स हैं। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो रही है, कौन से नेक्स्ट ईयर, कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाले हैं, तो इसकी भी एक लिस्ट बनानी। वो तुम कल दोपहर तक दे देना, लेकिन उससे लेट नहीं है। और जिन जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं किए ना, उनकी भी लिस्ट है। उन सबको फोन करके तुम्हें उन पर चेक रखना है कि वो पेमेंट कब देने वाले हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की लिस्ट भी इसमें लिखी है, उसका भी लिस्ट बना के इन्हें दे देना। एक्चुअली ये सारा काम तो मेरा था, लेकिन मेरा सारा काम तो अब तनु कर रही है, तो अपनी नई ड्यूटी मुबारक हो तनु। तुम्हें इतना सा काम देखकर चक्कर आने लग गया? मतलब तू मानता है कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए वैसी वाली फीलिंग है जैसी? हाँ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं, दो दो लव स्टोरीज है, तू, मैं और प्रज्ञा, राइट? नहीं पूरा, ऐसा नहीं है। तेरी बातों से तो यही लग रहा है। देख, मेरी बात का और कोई मतलब नहीं है। अरे तू नहीं तो बोला कि? हाँ, कहा मैंने कि आई फील फॉर हर, पर एक फ्रेंड की तरह यार। ऐसी फ्रेंड जिसके साथ तुम सुबह शाम रहना चाहते हो? वो मेरी सेक्रेटरी है, मैं सुबह शाम वैसे भी उसके साथ रहता हूँ। ऐसी सेक्रेटरी जिसका हाथ पकड़ के तुम कहते हो कि मेरा साथ कभी मत छोड़ना, जिसे तुम काम की बातें कम और दिल की बातें ज्यादा करते हो। पूरब, तू गलत समझ रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, वरना तू ही बता, अपनी संगीत सेरेमनी पे अपनी सेक्रेटरी का वेट कौन करता है? और तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तू उसके लिए अपना संगीत नहीं, अपनी शादी तक कैंसिल कर देता। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? तू एक काम कर, तू बैठ। मैं ठीक हूँ। तू बैठ, वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा। तू बैठ उधर। तू क्यों नहीं समझ रहा अभी? ये प्यार ही है, कन्फेस भी कर रहा है और उसे प्यार का नाम भी नहीं दे रहा है। तू शायद बोल भी देता
पर तनु ने तेरा माइंड वॉश कर रखा है। जब तक वो तेरे साथ है तू कभी नहीं मानेगा कि तू दी से प्यार करता है। ठीक है, इन शॉर्ट समझाता हूँ, हमारी फीलिंग्स प्योर है, हमारा रिश्ता प्योर है, पूरा भी इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तू मुझे तो समझा लेगा और मैं समझ भी जाऊंगा क्योंकि मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। लेकिन प्रज्ञा, वो तो तुझे अभी मिली, उसका क्या, उसे कैसे समझाएगा? और तूने खुद ही कहा है कि तेरे बिहेवियर से लोगों को अजीब भी लग सकता है, वो भी तो तेरी फीलिंग्स को अदरवाइज ले सकती है ना, वो भी तो तेरी फीलिंग्स को कोई नाम दे सकती है, तुझे गलत समझ सकती है। उसने ऐसा कहा तुझसे? ऐसा कहा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं उसके साथ भी अपना एक पॉइंट क्लियर कर लूंगा ना, और वो समझदार है, वो जल्दी समझ जाएगी। सच बताओ पूरा, यू वन लकी गाय मैन, तुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिली है, सीरियसली। अरे अगर वो किसी के लाइफ में दोस्त बनकर भी आ जाए ना तो इंसान की लाइफ बदल सकता है। तू कहना क्या चाहता है? वो मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मेरा लक अच्छा है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं? अरे नहीं 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 पूरा, मेरा वो मतलब नहीं था,